पहले हम कवर करेंगे अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक को। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, जिसके अंदर सारे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जो कोई भी हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं एट द मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल का मतलब जो भी बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आती हैं। तो हम मैक्रो पढ़ रहे हैं, मैक्रो का मतलब ही बड़ा होता है, तो सारी प्रॉब्लम्स बड़े लेवल पे जो कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी। 11th में हमने पढ़ा था माइक्रो के बारे में, तो माइक्रो में सारी छोटी प्रॉब्लम्स थी, एक इंडिविजुअल की प्रॉब्लम थी, लेकिन इसमें हम सबको लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैक्रो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हो सकती हैं, कुछ एग्जाम्पल्स उसकी, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी। बेरोज़गारी एक मैक्रो लेवल पे है ये वाली प्रॉब्लम हमारी। उसके बाद द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, महंगाई हमारी ये भी प्रॉब्लम हमारी मैक्रो लेवल पे है। और जीडीपी ग्रोथ। डिफ्लेशन का मतलब होता है सस्ताई, मतलब जब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, और जीडीपी ग्रोथ का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो भी है उसके उससे रिलेटेड। ये भी हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, इसका मतलब ही होता है सम टोटल ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम में कौन कौन से हैं वो। जैसे एग्रीगेट डिमांड, सबसे पहले आता है एग्रीगेट डिमांड। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज द डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी डिमांड है हमारी गुड्स और सर्विसेज की, टोटल डिमांड, उसको कहेंगे हम एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब इसको मेज़रमेंट भी करना पड़ता है हमें, तो मेज़र करने के लिए भी हमें कोई कैसे मेज़र करेंगे ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हम मेज़र कैसे करेंगे इसका? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी हमारा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब जितना भी हमारा खर्चा हुआ है ऑन परचेज ऑफ, किसको खरीदने के लिए? गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान हमारा जितना भी खर्चा हुआ है परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, वो हमारा हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड। ऐसे हम इसे करेंगे अपने एग्रीगेट डिमांड को। उसके बाद बात आती है सेकेंड पॉइंट, जो है एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि सम टोटल ऑफ सप्लाई। सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जितना भी प्रोडक्शन हुआ है हमारी इकोनॉमी में सारे गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई हो गया। अब एग्रीगेट सप्लाई करने के लिए हमें इसका कुछ इसका भी मेज़रमेंट होना चाहिए। हम इसको कैसे मेज़र करेंगे? तो इसका मेज़रमेंट हम कुछ इस तरीके से करेंगे। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू यानी कि मार्केट में जो भी वैल्यू चल रही है गुड्स और सर्विसेज की। जैसे मैंने कोई चीज़ खरीदी, वो चीज़ 100 रुपये की है मार्केट में, तो मैं उसकी मार्केट वैल्यू लूँगी 100, उसी चीज़ की 100 ले लूँगी उस टाइम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो वो हो जाएगा मेरा मेज़रमेंट करने का तरीका। तो अब ये क्या इम्प्लाई करता है? जितनी ज़्यादा हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि हमारी ग्रोथ भी उतनी ही अच्छी हो रही है। अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, इसका मतलब ग्रोथ अच्छी है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, डेट एज एग्रीगेट कंजप्शन। एग्रीगेट कंजप्शन क्या होता है? एग्रीगेट कंजप्शन का मतलब होता है कंजप्शन, कंज्यूम करना किसी भी चीज़ को। आपने कोई चीज़ खरीदी और उसका कंज्यूम कर लिया, उसको खा लिया, या फिर आपने कुछ भी लिया, जैसे कि कोई सर्विस ली है, आपने डॉक्टर से गए, डॉक्टर से जाके आपने अपना ट्रीटमेंट कराया, तो वो सर्विस है, वो आपने सर्विस का कंजप्शन किया है। तो वो क्या है? एग्रीगेट कंजप्शन का मतलब क्या है? कंजप्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आपने एग्रीगेट कंजप्शन, कंजप्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का आपने कंजप्शन किया है, पूरी इकोनॉमी ने कंजप्शन किया है, वो हो जाएगा हमारा एग्रीगेट कंजप्शन। तो हम मेज़रमेंट कैसे करेंगे एग्रीगेट कंजप्शन का? टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कंज्यूमर गुड्स, जितना भी कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्चा हुआ है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, उसको हम कहेंगे एग्रीगेट कंजप्शन। वो हमारा एग्रीगेट कंजप्शन का मेज़रमेंट हो जाएगा। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं, किससे? बाय कंज्यूमर, डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। अच्छा, तो एग्रीगेट कंजप्शन हमारा क्या इम्प्लाई करता है? मतलब जितनी ज़्यादा हमारे पास एग्रीगेट कंजप्शन जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी मानी जाती है। मतलब कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, कुछ क्वालिटी है मानी जाती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट का। व्हाट इज़ एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट? एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट क्या है? इट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ गुड्स।
कि ये खर्चा है जो सारे प्रोड्यूसर करते हैं अपने गुड्स को खरीदने के लिए, तो ये हो जाएगा एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। कितना जितना भी खर्चा सारे प्रोड्यूसर्स ने किया है अपने गुड्स को खरीदने के लिए, टोटल खर्चा जो भी आया है टोटल प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ऑल प्रोड्यूसर्स के द्वारा, वो हो जाएगा हमारा एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, हाई एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एम्प्लाइज हाई इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। इसका मतलब अगर जितनी ज़्यादा हमारे पास एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब है कि हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतनी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट कौन सा है? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है जितनी भी इनकम जनरेट हुई है, जितनी भी इनकम जनरेट हुई है इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट हुई है। डोमेस्टिक इकोनॉमी बोले तो कि जैसे ये हमारा कुछ इंडिया है, मेरे को मैप अच्छे से बनाना नहीं आता है लेकिन फिर भी जैसे ये इंडिया है, इसके चारों तरफ जितनी भी हमारी इनकम जनरेट हुई है वो हो जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम। इसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम्स का हम टोटल निकाल के इससे हमारा फैक्टर इनकम, जितनी भी ओनर्स अपनी फैक्टर इनकम कमाते हैं फैक्टर अपने फैक्टर से अकाउंटिंग ईयर में, वो जाएगी हमारी डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर इनकम जैसे कि लैंड, ये हमारे उनके ये फैक्टर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। और फैक्ट्री इनकम्स कौन सी हो जाएंगी? लैंड से, रेंट, लेबर से, वेजेस, कैपिटल, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर, प्रॉफिट। तो जो इसकी ओनर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो इसके ओनर्स हैं वो जो ये फिर अपनी फैक्ट्री इनकम कमाते हैं, इसका सम टोटल एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी होगा वो हो जाएगा हमारा डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, जितनी ज़्यादा हमारे पास डोमेस्टिक इनकम होगी उतना ही लेवल ऑफ इनकम ऑफ पीपल लोगों का ज़्यादा होगा, ओके। इतना क्लियर? ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत इजी थे। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, जो कि ये है टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। कौन कितनी तरह के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी के अंदर, कितनी तरह के गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, टाइप ऑफ गुड्स। दो तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, वो दो तरीके कौन से हैं? पहला क्लासिफिकेशन हम करेंगे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, दूसरा क्लासिफिकेशन हम करेंगे कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो फाइनल गुड्स क्या होता है, ये नाम से थोड़ा सा समझ आ रहा होगा। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स, वो वाले गुड्स जो अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि जिसने अपनी बाउंड्री लाइन को प्रोडक्शन क्रॉस कर दिया है, जैसे कि ये एक मेरी फैक्ट्री है या फिर कंपनी है, कुछ भी है, इसके अंदर मेरा कुछ भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन चल रहा है। अब वो चीज़ बन के यहाँ से बाहर आ गई, बाहर आने के बाद वो चीज़ अच्छे से बन के आ गई, अब वो मेरे लिए क्या है, रेडी है, मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। अब ये चीज़, ये प्रोडक्शन की लाइन बोल दिया मैंने इसे, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन अभी यहाँ से बाहर आ गई और हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ये इसका फाइनल यूज़र मैं हूँ, मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। रेडी फॉर देयर फाइनल यूज़र्स, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अपनी क्रॉस कर देते हैं बाउंड्री लाइन की, प्रोडक्शन ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, और रेडी होते हैं उसके फाइनल यूज़र्स के द्वारा वो यूज़ करे जा सकते हैं आप, ठीक है। फाइनल गुड्स, और फाइनल गुड्स को भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स या फिर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनल यूज़ के लिए तैयार तो होते हैं, फाइनल यूज़र्स के लिए तैयार तो होते हैं, एंड कंज्यूमर आर देयर फाइनल यूज़र्स, उनके जो फाइनल यूज़र्स होते हैं वो कंज्यूमर ही होते हैं, यानी कि कंज्यूमर। जैसे मैंने दूध, दही, कुछ भी ख़रीदा, ये मिल्क ख़रीदा मैंने और मिल्क को मैंने डायरेक्टली कंज्यूम कर लिया, तो ये मेरे लिए हो गया फाइनल कंज्यूमर गुड्स। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जैसे मैंने दूध ख़रीदा, ये मैंने मिल्क ख़रीदा, मिल्क ख़रीदने के बाद मैंने इसको पनीर बनाया, पनीर बना के मैं इसको सेल कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरे लिए हो गया फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, और जिसने कंज्यूम कर लिया वो फाइनल कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? वो वाले गुड्स,
फिर से वही वाली बात, ये इसकी प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है, ये गुड्स हैं, इसने अभी इस लाइन को क्रॉस नहीं किया, ये अभी इधर ही है, इसने इधर ये नहीं गया, ठीक है। अभी ये गुड प्रोडक्शन हो ही रहा है इस गुड्स का, अभी ये इसको कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, अभी ये इसका प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अल्टीमेटली बिकम अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। इसमें बेसिकली बात क्या बोली गई है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो एक पार्ट बन जाएगी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स की। कैसे, जैसे कि मैंने ब्रेड खरीदी, ये मैंने ब्रेड खरीदी, ब्रेड से मैंने केक बनाया, ये ब्रेड मुझे पड़ी 200 की और मैंने केक लेके केक को बेच दिया जो कि मेरे को 500 रुपये का हुआ। तो इस केक के अंदर मेरी ब्रेड की वैल्यू इंक्लूड थी, इट इंक्लूड्स ब्रेड वैल्यू ऑल्सो, इसके अंदर हमारी ब्रेड की वैल्यू भी इंक्लूड थी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट ये बोलना चाहता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो अल्टीमेटली किसका पार्ट बन जाती है, फाइनल गुड्स का पार्ट बन जाती है। तो ये है हमारा सेकंड, दो वे ऑफ क्लासिफिकेशन थे, पहला हमने पढ़ लिया, ये है दूसरे वाला। सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है, वो ये वाला कंज्यूमर गुड्स वाला, और साथ में कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को हम कंजप्शन गुड्स भी बोलते हैं, यानी कि जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स, वो वाले गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो होते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स। तो ये हो गए हमारे कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि मैंने कोई भी चीज़ खरीदी, दूध खरीदा, उस दूध को मेरा दूध पीने का मन है, मेरे को दूध पीना है, मैंने दूध लिया और पी लिया, ठीक है। तो अब इससे मेरे वांट्स सेटिस्फाई हो गए क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली कंज्यूम किया है, ओके। तो ये वाले जो गुड्स हैं ये प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में नहीं आएंगे, जैसे मैंने दूध लेके पनीर बना दिया तो ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि कंजप्शन गुड्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो कितने टाइप्स के कंजप्शन गुड्स आते हैं ये वाला पॉइंट अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ कंजप्शन गुड्स में कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले एक पॉइंट आता है इसका ड्यूरेबल गुड्स। कंजप्शन गुड्स में ड्यूरेबल गुड्स कौन कौन से हो सकते हैं, पहला है विच कैन बी यूज फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू, वो वाले गुड्स जो हम कई सालों तक यूज़ करते हैं और जिनकी वैल्यू रिलेटिवली हाई होती है। जैसे कि मैंने एक टीवी लिया, मैं टीवी को रोज़ रोज़ चेंज नहीं करूँगी, वो टीवी मेरे घर में कई सालों तक चलने वाला है। उसके बाद मैंने कार ली, मैं कार हर महीने चेंज नहीं करूँगी, हर साल चेंज नहीं करूँगी, उसको मैं कई साल तक यूज़ करूँगी। मैंने स्कूटर ली, इस तरह के गुड्स, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के अंदर कौन कौन से गुड्स आते हैं, वो वाले गुड्स जो कम से कम एक साल तक चलते हैं या फिर थोड़ा और ज़्यादा चल सकता है, या एक साल या एक साल से थोड़ा सा और ज़्यादा, जैसे कि फर्नीचर, इलेक्ट्रिक गुड्स, जैसे कि आयरन हो गई, इस तरह के गुड्स जो एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा या एक साल तक ही चल पाते हैं, वो होते हैं हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। इनकी वैल्यू जो होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ड्यूरेबल गुड्स की होती है, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल का मतलब जो ड्यूरेबल है ही नहीं, या फिर सिंगल यूज़, जो एक बार कंज्यूम कर लिए बस, एक बार कंज्यूम करने के लायक होते हैं, विच आर यूज्ड वन टाइम और सिंगल यूज़, सिंगल टाइम या फिर एक बार ही यूज़ से हम कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे कि पेन की इंक है, वो एक बार ख़त्म हो गई, उसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। मिल्क है, उसको कंज्यूम कर ली, मिल्क को कंज्यूम कर लिया, दैट्स इट। लो वैल्यू, इनकी वैल्यू बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट दोज नॉन मटेरियल गुड्स, यानी कि इसमें नॉन मटेरियल गुड्स आते हैं जो कि मतलब नॉट विजिबल, जो हमें दिखते नहीं है, नॉट विजिबल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जैसे मैं लॉयर के पास गई, डॉक्टर के पास गई, टीचर के पास गई, ये सारे मुझे सर्विस देते हैं, ये सर्विस हमें दिखती नहीं है, इनमें कोई मटेरियल इंक्लूड नहीं होता। तो ये हो गई हमारी सर्विसेज, एग्जाम्पल लॉयर, सर्विस और डॉक्टर। सर्वेंट हमारा काम करता है, हमें वो सर्विस दिखती नहीं है, वो हमारा क्या काम कर रहा है। डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड, फोर्थ टू वे क्लासिफिकेशन का सेकंड पॉइंट, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में क्या इंक्लूड होता है, कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो नॉन एज फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स होते हैं, आर एज फिक्स्ड एसेट, जो कि प्रोड्यूसर के लिए फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जो रोज नहीं बदले जाते, जैसे कि प्लांट और मशीनरी, लैंड,
ये सब उसको प्रॉफिट करके देते हैं. एग्जांपल प्लांट और मशीनरी रिपीटेडली यूज इन प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में ये वाले जो गुड्स होते हैं ये बार बार यूज़ होते हैं और इनकी वैल्यू जो है हाई वैल्यू होती है. इसके अंदर डेप्रिशिएशन इंक्लूड होता है. डेप्रिशिएशन मतलब किसी चीज़ की वैल्यू में कमी आना. जैसे कि हमने कार खरीदी, एक साल के बाद हम उस कार को बेचेंगे, वो कार हमने 8 लाख की खरीदी है, एक साल के बाद खरीदेंगे तो वो 8 लाख में तो नहीं जाएगी, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी. वो वाले गुड्स होते हैं हमारे कैपिटल लॉट्स.